Morning students, today in this video we'll be learning how to find LCM by division method. But before learning this, let's have a quick revision of common multiple method and prime factorization method. कॉमन मल्टीपल मेथड है मतलब हम लोग क्या करेंगे, नंबर्स का मल्टीपल लिखेंगे, उसके बाद कॉमन मल्टीपल निकालेंगे एंड देन जो सबसे छोटा जो कॉमन मल्टीपल होगा, जो सबसे छोटा नंबर होगा वो हमारा एलसीएम हो जाता है. तो यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल है, फाइंड एलसीएम ऑफ 3 and 6 बाई कॉमन मल्टीपल मेथड. ठीक है, तो 3 का मैंने यहाँ पे मल्टीपल 10 मल्टीपल्स लिखा है, ये आगे भी लिख सकते हैं. 3 का 10 मल्टीपल्स लिखे यहाँ पे और 6 का भी 10 मल्टीपल्स. अब कॉमन मल्टीपल निकालेंगे मतलब जो दोनों में प्रेजेंट हो. तो दोनों में 6 भी प्रेजेंट है, 12 भी प्रेजेंट है, 18 भी प्रेजेंट है, 24, देन 30, 5 हमारे कॉमन मल्टीपल्स है. और कॉमन मल्टीपल्स में जो सबसे छोटा नंबर होगा वो हमारा एलसीएम होगा, डैट इज़ लीस्ट कॉमन मल्टीपल. ठीक है, तो ये था हमारा कॉमन मल्टीपल मेथड. फिर से एक और एग्जांपल देखते हैं, फाइंड एलसीएम ऑफ 16 and 24 बाई कॉमन मल्टीपल मेथड ओनली. तो 16 और 24 का यहाँ पे हमने क्या पहले किया, 16 का मल्टीपल्स लिखा, फिर 24 का मल्टीपल्स लिखा मैंने. ठीक है, उसके बाद कॉमन मल्टीपल्स निकालेंगे. कॉमन मल्टीपल्स मतलब जो दो यहाँ पे नंबर है मतलब दोनों में प्रेजेंट होना चाहिए वो मल्टीपल. तो 48 इधर भी है, 48 यहाँ भी है, 96 है, और भी आगे अगर लिखते हैं हम लोग अगर मल्टीपल्स तो और भी कॉमन आते, बट ये हमने यहाँ पे सिर्फ दो ही मल्टीपल्स लिखकर दो ही कॉमन निकाल कर छोड़ दिया. तो कॉमन मल्टीपल आया 48 और 96, और इन दोनों में जो सबसे छोटा होगा वो हमारा एलसीएम होगा. डैट इज़ 48 और 96 में 48 हमारा एलसीएम होगा, डैट इज़ लीस्ट कॉमन मल्टीपल. ठीक है, नेक्स्ट इज आर एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है मतलब हम लोग क्या करेंगे, नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. ठीक है, डिवीजन मेथड से प्राइम फैक्टराइजेशन किए. यहाँ पे दो नंबर्स हैं हमारे पास 16 and 24, और इसका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम निकालना है. तो 16 का प्राइम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स क्या आया, 2 into 2 into 2 into 2, एंड 24 का 2 into 2 into 2 into 3. ठीक है, ये तो हुआ हमारा प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स. उसके बाद जो है, उसके बाद है कि हम लोग जो वर्टिकली में कॉमन नहीं निकालते हैं, वर्टिकली प्राइम नंबर्स को हम लोग कॉमन नहीं निकालेंगे. देखेंगे क्या, जो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ टाइम्स है, ग्रेट सबसे ज़्यादा जो नंबर ऑफ टाइम्स जो प्राइम नंबर है हम लोग उसको कॉमन लेंगे. जैसे 2 जो है, और इसमें जो कॉमन लेंगे वो क्या हो जाएगा, वो जो नंबर्स लेंगे वो हॉरिजॉन्टल रहेंगे नंबर्स. डैट इज़ यहाँ पे 2 यहाँ पे 3 टाइम्स है और 2 यहाँ पे 4 टाइम्स है, तो हम लोग 4 टाइम्स वाले को लेंगे, 3 टाइम्स वाले को नहीं लेंगे. 3 यहाँ पे 1 टाइम है और यहाँ पे 3 है ही नहीं, मतलब जो 1 टाइम है वही तो हमारे लिए ज़्यादा है. ठीक है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 टाइम्स था, यहाँ पे 4 टाइम्स था, तो हम लोग 4 टाइम्स को लिए, 3 टाइम्स को नहीं लेंगे. जो ज़्यादा नंबर ऑफ़ टाइम्स होगा, जो ज़्यादा टाइम्स है वो उसको हम लोग लेंगे. फिर 3 यहाँ पे है ही नहीं, 3 यहाँ पे सिर्फ 1 टाइम है, तो जो 1 टाइम है वही हमारे लिए ज़्यादा है, तो उसको भी ले लिए. अब ये नहीं कि इसमें से ये कॉमन आया तो इसमें सिर्फ 1 नंबर 2 निकालेंगे, नहीं, ये सारे नंबर्स मल्टीप्लाई होंगे. तो 2 into 2 into 2 into 2 into 3 मल्टीप्लाई किए तो आया कितना, ये 48 आया. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज अगैन फाइंड एलसीएम ऑफ 30 and 56. इसको भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है. तो पहले 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन किए, डैट इज़ कितना आ गया, 2 into 3 into 5, एंड 56 का आया 2 into 2 into 2 into 7. ठीक है, याद रखिएगा एलसीएम जब हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हम लोग वर्टिकली हम लोग कॉमन नहीं निकालेंगे. जिसमें नंबर ऑफ टाइम्स प्राइम नंबर ऑफ जिसका प्राइम नंबर जिसमें ज़्यादा होगा, नंबर ऑफ़ टाइम्स जिसमें ज़्यादा होगा हम लोग उसको लेंगे. जैसे 2 यहाँ पे सिर्फ 1 टाइम है, 2 यहाँ पे 3 टाइम्स है, तो 1 टाइम हम लोग कैंसिल कर दिए और 3 टाइम्स को लिए हम लोग. ठीक है, 3 यहाँ पे 1 टाइम है वही हमारे लिए ज़्यादा है, तो उसको भी ले लिए. फिर 5 और कहीं नहीं, बस यहीं पे, वो भी ज़्यादा हो गया हमारे लिए, वो उसको ले लिए. फिर 7 भी हमारे लिए एक बार है मतलब वही ज़्यादा है, तो उसको भी ले लिया. सबको मल्टीप्लाई किए आया कितना, ये 840. ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट मेथड, डैट इज़ एलसीएम बाई डिविजन मेथड. LCM by division method, and we are supposed to find the LCM of 12, 16 and 18 by division method. Division method है तो मतलब हम लोग यहाँ पर divide करके नहीं दिखाएंगे numbers को. इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग एक vertical line draw किए और एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन में जितने भी नंबर्स हैं सारे नंबर्स इसी में आ जाएंगे. जितने भी नंबर्स हैं यहाँ पे सारे इसी में रहेंगे. ठीक है, अब ऐसा प्राइम नंबर ढूंढिए जिससे
ये तीनों नंबर डिवाइड हो जाए, और जब भी डिवाइड करेंगे तो प्राइम नंबर से ही डिवाइड करेंगे, ठीक है। पहले क्या किए, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ किए, अब हॉरिजॉन्टल लाइंस आगे नीचे जाते जाएंगे तो वो ड्रॉ होते जाएगा, एंड ये जितने भी नंबर्स हैं सबको एक साथ ले लेंगे। 12, 16 और 18 है, मतलब 12, 16 और 18 को एक साथ डिवाइड करेंगे। अगर वो नंबर डिवाइड नहीं होगा तो उसको एज इट इज़ लिख देंगे। जैसे 12, 16 और 18 तो है, तो ये तो 2 से तो डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से ये 12 डिवाइड होगा 6 टाइम्स में, 16 डिवाइड होगा 8 टाइम्स में, और 18 डिवाइड होगा 9 टाइम्स में, ठीक है। अब कौन से प्राइम नंबर से डिवाइड होगा, तो 2 से तो 6 डिवाइड हो जाएगा, 8 भी डिवाइड हो जाएगा, बट लेकिन 9 नहीं होगा, तो 9 को एज इट इज़ हम लोग लिख देंगे। तो 2 से डिवाइड हुआ ये 3 टाइम्स में, ये 4 टाइम्स में, और ये 9 टाइम, 9 का 9 ही रह गया, ठीक है। ये डिवाइड नहीं हुआ, ये 9 का 9 ही रह गया, ठीक है। अगैन इसको हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1 टाइम में, ये 4 डिवाइड नहीं होगा तो 4 का 4 ही रह जाएगा, और ये हो जाएगा 3। जिसको जो डिवाइड नहीं होगा वो एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 4 है, 4 से तो डिवाइड करेंगे नहीं क्योंकि 4 प्राइम नंबर नहीं है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 का 1 ही आ जाएगा, ये 4 होगा 2 टाइम्स में, और ये 3 डिवाइड नहीं होगा तो 3 का 3 ही लिख देंगे, ठीक है। फिर ये 2 से डिवाइड होगा तो ये 1 टाइम में, 1 तो आ गया है तो 1 ही लिख देंगे, ये 1 टाइम में, 3 डिवाइड नहीं हो तो 3 का 3 ही लिख देंगे। फिर ये 3 से 1, 1 एंड 1, ठीक है। इसको ऐसे भी कर सकते थे कि पहले हम लोग 2 को डिवाइड, 4 को डिवाइड करते 2 से, लेकिन अगर 3 को भी डिवाइड करते तो ये हमारा रॉन्ग नहीं होगा। अब जितने भी यहाँ पे प्राइम नंबर्स आए हैं अब सबको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट इज़ एलसीएम निकालने के लिए जितने भी प्राइम नंबर्स है, दैट इज़ कितना है, 2 × 2 × कितने टाइम्स 2 है, 1, 2, 3, 4 एंड 3, 2 times 3 है, 1, 2, 3, 4 and 3 × 3, दैट इज़ हो जाएगा 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 16 × 3 = 48 एंड 48 × 3 विल बी 144। मतलब 12, 16 और 18 का डिवीज़न मेथड से हमारा एलसीएम आ गया 144। पहले क्या किए, वर्टिकल लाइन ड्रॉ किए और जितने भी नंबर्स है सबको एक ही में ले लिए, ठीक है। और जब भी याद रखिए डिवाइड करेंगे तो प्राइम नंबर से ही डिवाइड करें, तो 2 से तो डिवाइड हुआ 6 टाइम्स में, ये 8 टाइम्स में, और ये 9 टाइम्स में, ठीक है। अब 2 से डिवाइड सिर्फ ये दोनों नंबर हुआ, दैट इज़ 3 टाइम्स में, और ये 4 टाइम्स में, 9 डिवाइड नहीं हुआ तो 9 का 9 ही लिख देंगे। फिर 3 से डिवाइड किए तो ये 1 हो गया, ये 4 तो डिवाइड नहीं हुआ तो 4 का 4 ही हो गया, और ये 9 जो है वो 3 टाइम्स में। फिर 2 के टेबल में ये 1 का 1 ही उतर गया, फिर 2 टाइम्स में, फिर 3 डिवाइड नहीं हुआ तो 3 का 3 ही हो गया, ये कंटिन्यू हुआ, और लास्ट में सारा जब 1 आ गया तो अब क्या हो गया, ये सब मल्टीप्लाई करके लिख दिए, यहाँ पे आ गया हमारा एलसीएम। एक और देख लीजिए, फाइंड एलसीएम ऑफ, फाइंड एलसीएम ऑफ 15, 20, 28 एंड 35 बाय डिवीजन मेथड। डिवीज़न मेथड है, पहले एक वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन में सारे नंबर्स आ जाएंगे, डैट इज़ 15 भी, 20 भी, 28 भी और 35 भी, ठीक है। तो पहले 2 से स्टार्ट करते हैं, तो 2 से कौन कौन डिवाइड होगा, 15 तो डिवाइड नहीं होगा तो 15 का 15 ही हो जाएगा, ये 10 टाइम्स, ये 28 होगा 14 टाइम्स, एंड 35 भी डिवाइड नहीं होगा तो 35 को 35 भी लिख देंगे, ठीक है। फिर अगर 2 से करते हैं तो 2 से करेंगे तो 15 डिवाइड नहीं हो तो 15 का 15 ही लिख देंगे, 10 हो जाएगा 5 टाइम्स, 14 भी डिवाइड नहीं हो तो 14 का 14 ही, और सॉरी 14 डिवाइड होगा 7 टाइम्स में, 7 टाइम्स ये डिवाइड हुआ, एंड 35 डिवाइड नहीं होगा तो 35 ही लिख देंगे, ठीक है। अब कौन से प्राइम नंबर से देखते हैं, 3 से देखेंगे तो 3 से करेंगे तो ये 15 डिवाइड होगा 5 टाइम्स में। वी कैन टेक एनी ऑफ द प्राइम नंबर, बट लेकिन डिविजिबल होना चाहिए कोई नंबर, तो फिर अगर 3 लिए तो ये 5 टाइम्स, 5 का 5 ही रह जाएगा, ये 7 का भी 7 रह जाएगा, और ये 35 कितने बार में आता है 3 के टेबल में, डिवाइड नहीं होता है, तो ये भी 35 का 35 ही रह जाएगा, ठीक है। फिर 5 से ये 1 आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा, ये 7 का 7 ही रह जाएगा, और ये 7 आ जाएगा। फिर 7 से 1, 1, 1, 1, ठीक है। अब जितने भी यहाँ पे प्राइम नंबर्स है, डैट इज़ कौन कौन से है,
टू इंटू टू इंटू थ्री इंटू फाइव इंटू सेवन। अब सबको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। डैट इज़ टू इंटू टू इज़ फोर, फोर थ्री इज़ आर ट्वेल्व, ट्वेल्व फाइव इज़ आर सिक्सटी, एंड सिक्सटी इंटू सेवन इज़ फोर हंड्रेड ट्वेंटी। तो फिफ्टीन, ट्वेंटी, ट्वेंटी एट और थर्टी फाइव कैल्सियम आ गया, फोर हंड्रेड ट्वेंटी। तो ये था हमारा एलसीएम बाई डिविज़न मेथड। ठीक है, सेल्फ प्रैक्टिस 3H, योर होमवर्क विल बी दैट यू विल बी सॉल्विंग सेल्फ प्रैक्टिस 3H क्वेश्चन नंबर वन एंड क्वेश्चन नंबर थ्री इन योर मैथ्स कॉपी। जो जो टू क्वेश्चन नंबर टू है, आप लोग को ये लास्ट डे ही होमवर्क दे दिया गया था, एंड ये आप लोग को करना था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर थ्री यहाँ पे लिखा हुआ है डिविज़न मेथड विल बी यूजफुल, यहाँ पे आप लोग को डिविज़न मेथड से करना है। और क्वेश्चन नंबर वन जो है वो मिक्स है, इसमें मल्टीपल मेथड भी है और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी है। ठीक है, तो आप लोग मल्टीपल मेथड भी जानते हैं एंड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी जानते हैं। मल्टीपल मेथड में क्या होता है, यहाँ पे देखिए मल्टीपल्स लिखे हुए हैं, कॉमन मल्टीपल निकालना है और फिर जो सबसे छोटा जो मल्टीपल होगा वो हमारा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, नाइन का है थ्री का पार्ट टू, मतलब ये थ्री इंटू थ्री है, दो बार थ्री है, और फिफ्टीन का है थ्री इंटू फाइव। तो जब एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम्स रहता है ये प्राइम नंबर का, हम लोग उसको लेते हैं। दैट इज ये थ्री का पार्ट टू ले लेंगे, ये थ्री जो सिंगल टाइम है वो नहीं लेंगे, और ये फाइव को ले लेंगे। दैट इज थ्री इंटू थ्री विल बी नाइन एंड नाइन इंटू फाइव विल बी फोर्टी फाइव। तो ये आप लोग क्वेश्चन नंबर वन भी पूरा सॉल्व करोगे। ठीक है, और ये मिक्स्ड है, याद रखिए मिक्स है, ये मल्टीपल मेथड भी है और इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी है। एंड क्वेश्चन नंबर थ्री आप लोग डिविजन मेथड से करोगे। ठीक है, सो योर होमवर्क विल बी क्वेश्चन नंबर वन एंड क्वेश्चन नंबर थ्री। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।